अलगू गैस टूडे टॉपिक इज सिंपल एंड कंपाउंड बट बिफोर स्टार्टिंग सिंपल एंड कंपाउंड वी हैव टू बी नो डेट अबाउट द कंजंक्शंस वॉट आर कंजंक्शंस कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज फॉर जॉइनिंग टू सेंटेंस टूगैदर वैन एवर यज गो वैन यू गो टू रेलवे स्टेशन यू सी डैट के वहाँ पर लिखा होता है इट्स अ जंक्शन जंक्शन मीन्स के जो दो दो ट्रेन जब एक जगह एक मकाम पे आकर मिलती हैं उसको जंक्शन कहा जाता है ठीक है तो कन जंक्शन वहीं से निकला है और ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है मतलब कि दो अगर एक सेंटेंस है और उसके साथ उससे रिलेट करता हुआ दूसरा सेंटेंस है तो दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के दरमियान जो वर्ड लगाया जाता है स्कॉल्स कंजंक्शन अ वर्ड यूज टू कनेक्ट द क्लॉज और सेंटेंस और कॉर्डिनेटिंग वर्ड इन द सेम क्लॉज ठीक ये कॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर यूज होते हैं अच्छा कंजंक्शन की फोर टाइप्स होती हैं फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेकंड है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थर्ड है कोर रिलेटेड कंजंक्शन और फोर्थ है कंजक्टिव एडवर्ब, ठीक है तो हमारे पास सबसे पहले हम कंजंक्शन के साथ सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग पढ़ेंगे ठीक है सेकंड इसके डेफिनेशन है द एक्शन और एन इंस्टेंस ऑफ टू और मोर इवेंट्स और थिंग अक्योरिंग एट द सेम पॉइंट इन द टाइम एंड स्पेस सेम पॉइंट पे एक जगह पर एक जगह कंप्लीट uh, हो रही है मींस के यू आर माय रियली वेरी नाइस फ्रेंड बट यू आर सो क्लेवर सूर्फ द वर्ड बट इज़ अ कंजंक्शन दो सिचुएशन को सेम बंदे की जो बया, बयान हो रही है उसको बयान कर रहा है ठीक है तो हमारे पास यहाँ कंजंक्शन एंड हो गया कंजंक्शन के बाद मैं आपको कॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ा रही हूँ देन मैं सिंपल और कंपाउंड पर जाऊँगी